हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ लेरियागो इंजेक्शन का फुल रिव्यू। बात करूँ आज की इस वीडियो में, आप लोगों को मैं बताऊंगा ये इंजेक्शन डॉक्टर कब प्रिस्क्राइब करते हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट हैं, क्या बेनिफिट हैं, या कह सकते हैं इसकी डोज एंड ड्यूरेशन क्या है, ये सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो फ्रेंड्स, लीजिए बात करते हैं लेरियागो इंजेक्शन की। जो इसका इंग्रेडिएंट है, क्लोरोक्वीन फास्फेट इंजेक्शन IP, ये आपको हर एक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आप बिना डॉक्टर की एडवाइस के बिना मत यूज़ करिए, ये इंजेक्शन ओनली डॉक्टर ही यूज़ करते हैं, इसको सेल्फ आप नहीं यूज़ कर सकते, आपके नॉलेज के लिए बता दूं। और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना मत भूलिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में मैं ऐसे ही किसी भी मेडिसिन का रिव्यू डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। सो लीजिए फ्रेंड्स, बात करते हैं इस इंजेक्शन का। जो डॉक्टर्स को यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। जो मलेरिया का फीवर होता है उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा होता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। इसका जो MRP है 24 रुपीज़ है, देख पा रहे हैं, और ये ऐसे बॉइल में आता है इसकी पैकिंग। और इसकी जो डोज होता है, इसके जो इस पेशेंट को यूज़ करना होता है उसकी एज एंड बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इसको यूज़ किया जाता है, वो थोड़ा सा ख्याल रखा जाता है इस बात का। ये इंजेक्शन बोर्न बेबीज से, या कह सकते हैं जो टाइम से पहले जो बच्चे पैदा हो गए होते हैं उनके लिए इंजेक्शन नहीं यूज़ किया जाता है, उनके लिए ज़्यादा सेफ़ नहीं होता है। और बात की जाए इसका जो कुछ साइड इफेक्ट की मैं बात करूं, तो इसके कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले हैं ऐसे। और जो नॉर्मल सा और जो कॉमन सा साइड इफेक्ट देखने को कभी कभी मिलता है, 10 में से 1 आधे पेशेंट को कह सकते हैं, ये होता है कि इनको ये इंजेक्शन यूज़ करने के बाद इनको बॉडी में इचिंग होने लगती है, बहुत ज़्यादा इचिंग होगी। तो ऐसा कुछ होता है तो समझ जाइए आप इसको ये इंजेक्शन सूट नहीं कर रहा है या रिएक्शन कर गया है बॉडी को इसके। तो ऑन द स्पॉट आप डॉक्टर को चेक कराइए, अपने फार्मासिस्ट से मिलिए, जो भी आपको एडवाइस देंगे तो उस हिसाब से आप मेडिसिन लीजिए। और हाँ, आपके नॉलेज के लिए बता दूँ, जो बहुत ही केयर करने वाली बात है इस इंजेक्शन के बारे में, जो गलती से भी ना हो, ये इंजेक्शन ओनली IM है। अभी मैं देख नहीं पा रहा हूँ उसमें कहाँ लिखा हुआ है IM, बट इसको मैंने यूज़ किया हुआ, देखिए हाँ लिखा हुआ है फॉर IM यूज़ ओनली, डेट मीन्स ये ओनली IM यूज़ होता है, मास में यूज़ होता है कमर पर। और इसको IV आप गलती से भी नहीं लगा सकते, तो इसको आप सोच भी नहीं सकते कितना बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट हो सकता है बॉडी के लिए, या कह सकते बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, इसकी जो बात कर लें डोज की, जो अडल्ट डोज होती है जो नॉर्मली यूज़ करते हैं, 2 से 3 ml के बीच में यूज़ किया जाता है, जो 14 साल से ऊपर है, मेल हो फीमेल हो इसमें कोई डज नॉट मैटर। पर हाँ, बात कर लेते हैं मलेरिया, आप नॉर्मल से मैं सिम्टम्स बता देता हूँ मलेरिया के। ऐसे तो मलेरिया का जो फीवर होता है इसको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। उसका जो नॉर्मल सा सिम्टम्स ये होता है, जब भी पेशेंट को, या कह सकते हो जब भी फीवर आएगा तो आपको ठंडक या जड़ाई लेके बुखार आएगा, आपको ठंडापन लगेगा, गर्मी में भी ठंडा लगेगा आपको। बड़ी मज़ेदार बात है, कई आप लोगों ने देखा होगा जब फीवर होता है किसी को, इतनी ठंड लगने लगती है कि इनको जो रजाई उड़ाने की नौबत आ जाती है, तो ऐसा कुछ कंडीशन होता है। तो आप समझ जाइए इसको मलेरिया का जो है, इसको फीवर है, आप डॉक्टर से एडवाइस लेके अपना ब्लड टेस्ट करवाइए। ब्लड टेस्ट में ये होता है, इसको MP टेस्ट बोलते हैं मलेरिया का। अगर ये आपका पॉजिटिव आता है तो डैम श्योर आपको मलेरिया है। अदरवाइज जो नॉर्मली फर्स्ट ट्रीटमेंट के लिए जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, तो इंजेक्शन यूज़ करते हैं मलेरिया के। और भी बहुत से इंजेक्शन आते हैं एक्चुअली, ये आपको नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, जो मेडिकल फील्ड से इनको तो पता होगा, जैसे कि मैच इंजेक्शन हो गया, हीमाल इंजेक्शन हो गया, बहुत से ऐसे इंजेक्शन जो पर्टिकुलर मलेरिया के लिए ही यूज़ किया जाता है। जैसे लेरियागो है, लेरियागो DS करके टैबलेट भी आता है इसका। सो मलेरिया के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी अगर इसके बारे में मैं और डीप नॉलेज देने लगा। अगर आपके माइंड में अगर कोई भी सवाल या जवाब या क्वेश्चन है, आप कमेंट करिए, आपको जो भी होगा अपनी तरफ से मैं इसका रिप्लाई करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना मत भूलिएगा ऐसे ही। और बात करूँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले टाइम में आपको बहुत बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलने वाली है हेल्थ से रिलेटेड। फिलहाल तो अभी मैं मेडिसिन का रिव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ दिन बाद ही आप लोगों को हेल्थ से रिलेटेड बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो मिलने वाली है, लाइक डेट आप टाइफाइड में कैसे क्या चीज़ खाएं क्या ना खाएं, या ऐसे आपको बार बार ज़्यादा टाइफाइड हो रहा है, या कह सकते हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए डाइट क्या है, ये सब चीज़ें ऐसी कुछ वीडियो आपको मिलने वाली है आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसका बेनिफिट मिले, और अपने फैमिली का आप ख्याल रखें। सो फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।